छठे दिन भी कुर्मी समुदाय के लोगों का रेलवे ट्रैक और सड़क मार्ग पर धरना जारी। कुर्मी आंदोलन के कारण सैकड़ों ट्रेनें रद्द, 5 ट्रेनों को डाइवर्ट कर चलाने का रेलवे ने लिया निर्णय। कुर्मी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर जारी है गतिरोध। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आंदोलनकारियों को मनाने में विफल, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित, करोड़ों का कारोबार प्रभावित, जिम्मेदार कौन? कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने व कुर्माली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल डिवीजन और आद्रा रेल डिवीजन के परिचालन पर व्यापक असर पड़ा है। इन मार्गों से होकर चलने वाले लगभग सभी ट्रेनों का पिछले 5 दिनों से परिचालन बंद है। आंदोलन के कारण पिछले 4 दिनों से दक्षिण पूर्व रेलवे 496 ट्रेनों को रद्द कर चुकी है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा झारखंड के टाटानगर के यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। उधर रविवार को भी टाटानगर से नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जाने वाली लंबी दूरी सहित पैसेंजर ट्रेनें रद्द है। रविवार को भी रेलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। वहीं लगातार पिछले 4 दिनों से रद्द हो रही ट्रेनों से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन के कुस्तौर और खड़गपुर डिवीजन के खेमाशुली स्टेशन के रेलवे ट्रैक को कुर्मी जाति के लोग जाम कर धरने पर बैठ गए हैं। इसके कारण हावड़ा मुंबई और आद्रा चांडिल आसनसोल मार्ग पूरी तरह से प्रभावित है। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस आंदोलन की वजह से करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों ने इस दिशा में अब तक पहल नहीं की है? कुर्मियों के इस आंदोलन का अंत क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कुर्मी समाज के लोगों का आंदोलन छठे दिन भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। आज हम लोग का आंदोलन का 5वां दिन है। हम लोग कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। लगातार हम लोग रात दिन आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक को जाम किए हुए हैं, सड़क पथ को भी बाधित किए हुए हैं। हम लोग का मांग अब तक सरकार ने नहीं माना है, इसलिए हम लोग मांग को अनवरत जारी रखे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक निश्चित काल के लिए आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद।